ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप के न्यू कलर टोन, जो कि गाइस आप सभी को पता होगा इंस्टाग्राम में, मतलब आजकल जितने भी फोटोज, मतलब ये अंदर रील्स आ रही है एंड उनमें जो आप सभी देखते होंगे जो आफ्टर वाली जो फोटो की जिनका जो रिटच होने के बाद जो फोटोज अपलोड होती है वो वाली जो फोटो है गाइस, ये वाला कलर टोन जो आपको मतलब मोस्टली फोटोज में आपको मिली जाएगी। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप सभी को यही वाली कलर टोन सिखाने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी फोटो में ये वाली कलर टोन दे सकते हो। तो आप लोग जो वीडियो कंप्लीट वॉच करना, वीडियो जो मैंने काफी इजी स्टेप में बना रखी तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच करना। एंड गाइस, ये वाली कलर टोन अगर आप सीख जाते हो, एडिट करते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पे मेरे को फॉलो भी कर सकते हो। बाकी कैसे, अगर अभी तक आप इन वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो एक लाइक जरूर कर देना और अगर चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो अपनी इस फोटो का जो यहाँ पे हम पहले फोटो को स्मूथ करेंगे, ठीक है। तो टूल्स में जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से जो है मतलब सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे और इसको जो है हम फुल कर देंगे, ठीक है। तो मतलब गाइस ये फोटो का जो फेस स्मूथ है मैं इसमें कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब कि जो इजी स्टेप है, इसलिए मैं अगर आपको एकदम कंप्लीट ट्यूटोरियल मैं बताता तो आपको जो है मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, वीडियो भी लंबी हो जाती। तो गाइस अगर आपको पता करना है कि मैं मतलब फोटोज़ में जो है फेस को कैसे स्मूथ करता हूँ, तो आपको लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सभी वीडियो की, तो आप उन वीडियो को वॉच कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको स्मूथ वगैरह कर लिया, ब्राइटनेस वगैरह सब बढ़ा दिया, ठीक है। तो मैंने इनके ऊपर जो कंप्लीट वीडियो बना रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप लोग उन वीडियोज़ को जाकर देख लेना, ठीक है। बाकी आप इस ये वाला स्टेप जो मैं बता रहा हूँ ऐसे भी बना सकते हो अपनी फोटोज़ को, ठीक है। तो बाकी आप लोगों को जैसा ईजी लगे वैसा कर लेना। तो यहाँ पर जो हमने देख लिया, हमने जो फेस वगैरह जो स्मूथ कर लिया, तो अभी हम इसको सेव करेंगे एंड जो लाइट रूम का जो प्रोसेस है वो बहुत मतलब कि वही हमारा जो भी है, ठीक है, वो प्रोसेस है। तो वहाँ से हम देखते हैं अभी कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर फोटो को ऐड वगैरह कर लेते हैं, ध्यान आप सभी को बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑल फोटोज़ में जाएंगे, यहाँ से हम फोटोज़ को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो आप सभी को करना क्या, आपको जैसे ही आप यहाँ पे अपने फोटोज़ में जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको पहले यहाँ से चले जाना लाइट में, ठीक है। तो लाइट में आप जैसे ही जाओगे तो आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएंगे, तो आपको यहाँ पे जो है पहले इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है एंड जो हाईलाइट है इसको इंक्रीज़ कर देना है एंड उसके बाद जो शेडो है शेडो को यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो माइनस कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे जो आपका ब्लैक है इसको यहाँ पे कम कर देना है एंड उसके बाद जो वाइट है इसको यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। इतना जाने के बाद आपको चले जाना है कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद जो आप सभी को यहाँ पे पहले इसका वाइब्रेशन बढ़ाना है एंड जो इसका टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा कम कर देना ताकि फोटो में हल्की सी ब्लू टोन रहे आपके, ठीक है। तो आप लोग सभी स्टेप को ध्यान से देखना, ठीक है, जो जो मैं कर रहा हूँ। फिर उसके बाद आपको मिक्स में चले जाना है, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन जो है आपको यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना है, सैचुरेशन नहीं ल्यूमिनस को इंक्रीज़ करना ताकि फेस जो आपका ब्राइट हो, सैचुरेशन को आपको थोड़ा कम कर देना है। फिर आपको यहाँ पे चले जाना रेड कलर में, इसका ल्यूमिनस बढ़ा देना, सैचुरेशन प्लस कर देना है एंड ह्यू को भी प्लस कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको लेना येलो कलर, जैसे कि फोटो में येलो कलर नहीं है तो हम इसका जो सैचुरेशन है और जो ह्यू है इसको एकदम माइनस में कर देंगे, ल्यूमिनस को भी माइनस में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जाएंगे हम ब्लू कलर में, अब जैसे कि ब्लू कलर हमें बहुत ही कम चाहिए फोटो में, तो हम इसका ल्यूमिनस कम करेंगे एंड सैचुरेशन भी कम करेंगे, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इतना हो गया, अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आपको जो यहाँ पे कलर का काम हो गया तो अब इसको यहाँ पे डन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ से चलेंगे मास्किंग वाले टूल में। मास्किंग वाले टूल में गाइस अगर आपका जो सारे टूल्स अगर वर्क कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा तो उसके ऊपर वीडियो बन रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है तो देख लेना वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है। तो इसको लेने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे से हम इसको लेकर आएंगे एंड उसके बाद जो है यहाँ से हम पहले यहाँ से चलेंगे इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद जो डिहेज है आपको इसको सिंपली यहाँ पे प्लस करना है, ठीक है, ताकि नीचे जो है डार्कनेस बन जाए। ओके, तो यहाँ पे इतना हो गया और काफ़ी अच्छी लग रही है, इसके वजह से हमारी जो मतलब हमने इसको नीचे डार्क कर दी तो फोटो इससे अच्छी लग रही है हमारी, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो यहाँ से हम डन कर लेंगे, इसको जब डन कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे लाइट में। लाइट में जाने के बाद फिर जाएंगे हम कर्व में। कर्व में जाने के बाद हम ये यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट करेंगे, इसमें हम गाइस पॉइंट बनाएंगे 5, ठीक है। तो पहले हम इसको ऊपर वाला जो पॉइंट है उसको हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे एंड जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम थोड़ा सा ऊपर ब्लू टोन की तरफ एंड जो ये थर्ड वाला टोन है इसको भी हम थोड़ा ब्लू टोन की तरफ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऐसे चलेंगे कलर्स में, फिर हम ग्रेडिंग वाले पे जाएंगे एंड ग्रेडिंग वाले पे जाएंगे एंड उसके बाद जो हम यहाँ पे जो इसका सैचुरेशन है पहले मतलब कि जो यहाँ पे बढ़ा देंगे हल्का सा एंड जो इसका जो ह्यू है इसको रखेंगे हम येलो टोन में, ठीक है, शेडो को। एंड मिड टोन में जाएंगे, मिड टोन में जाने के बाद हम इसका सैचुरेशन बढ़ाएंगे एंड इसको हम रखेंगे येलो टोन के आसपास, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन के और ब्लू के बीच में रखेंगे, ठीक है, येलो और ग्रीन दोनों इनके बीच में रख लेते हैं, इसका सैचुरेशन थोड़ा कम कर लेते हैं। फिर यहाँ से चलेंगे हम ऐसे हाईलाइट में, हाईलाइट में जाएंगे थोड़ा सा सैचुरेशन इंक्रीज़ करेंगे एंड इसको हम रखते हैं यहाँ पे ग्रीन के पास, ठीक है। अब इसको डन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद चलेंगे हम इस यहाँ पे इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद हम इसकी पहले क्लियरिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, क्लियरिटी बढ़ाएंगे एंड उसके बाद जो विग्नेट है वो हल्का सा डालेंगे फोटो में, ठीक है, ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद यहाँ से हम जो इसका फीदर है इसको हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से जो गाइस की शार्पनेस बढ़ा देते हैं। अब गाइस देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे कंप्लीट फोटो जो हमारा एडिट हुआ ये है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।